नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डिजिट। बुलंदशहर के स्याना इलाके की कोतवाली चिकरावटी के गांव महबा में हुई गौकसी के नाम पर बवाल फायरिंग की घटना में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली लगने से हुई मौत। इस संबंध में कुछ नहीं बोले SSP। इसे ग्रामीणों व पुलिस के बीच होने वाला बवाल माना है। शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की कनपटी पर गोली मारी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। DM अनुज कुमार झा ने बताया कि PM रिपोर्ट में मामला गनशॉट पाया गया है। इंस्पेक्टर की लेफ्ट भौ के नजदीक गोली मारी गई थी। अब तक इंस्पेक्टर की हत्या पीट कर बताई जा रही थी, लेकिन PM रिपोर्ट ने हत्या का राज उगल दिया। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के दो बेटे नोएडा में पढ़ते हैं, पत्नी साथ ही रहती हैं। वहीं एकाएक इंस्पेक्टर की शहादत से परिजनों में कोहराम मच गया है। अभी हम बाद में पूरी बाइट आपको देंगे। कितने लोग हैं सर? आप अपने जाइए, आप अपने जाइए। सर, कितने लोग अब तक गिरफ्तार हो गए हैं? अभी हम पूरी बात आपको देंगे, पूरा हम अपडेट करेंगे। जो इस तरह से ये लोग इसको जोड़ करके चल रहे हैं, हमें देखिए ये घटना पुलिस के बीच में और जो है पब्लिक के बीच में हुई, पुलिस और पब्लिक के बीच में हुई। इससे कौन क्या जोड़ा है ये तभी तो हम इसमें हम लोग उस पर जो है गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हैं, उसको हम लोग लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। सर, कब तक और कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी हमारे पास जो है हम लोग भी अभी जो है जो कुछ हमारे नामजद अभियुक्त हैं, कुछ हमारे जो चिन्हांकन किए आ रहे हैं। दोनों कैटेगरी में हम लोगों ने जो है अभी आधा दर्जन से ज्यादा जो है 27 लोगों को नामजद किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें जो कार्यकर्ता बताया जा रहा है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। मतलब बात यह है कि जो हमारे वीडियो कैमरे में है, जो हमारे जो है साक्ष्यों के आधार पर, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं इसमें? उसके हम लोग उसके आपके हमें भी इसका संज्ञान नहीं है। जो हमारे दृष्टि में जो उपद्रवी है, जो कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है, शांति जो है भंग कर रहा है, वो उसका है। चौकी के जो कांस्टेबल है वो बता रहे हैं कि यहाँ जो कोई 500 से 600 की संख्या में हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ के कांस्टेबल बता रहे हैं, पुलिस चौकी के कांस्टेबल। अब उन्होंने किस तरह से बताया, तो अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? हम लोगों ने भी नामजद अभियुक्तों में 3 को गिरफ्तार किया है। उनमें से किसी का हिंदूवादी संगठन से कोई निकला है? अब हम इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। हमारा वेरिफिकेशन यह है कि कौन सा व्यक्ति क्राइम में इन्वॉल्व है और कौन सा नहीं इन्वॉल्व है। जो मेरे क्राइम में इन्वॉल्व हो वो जेल जाएगा। सुबोध कुमार सिंह हाजी अखलाक के मामले में भी जो है मुझे उसकी उस विषय की कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ चूंकि प्रकरण सीधा जो है गौकसी के बाद हिंसा का मामला ADG इंटेलिजेंस आज पहुंचे बुलंदशहर। चिंगरावटी हिंसा मामले की 2 दिन तक करेंगे जांच। 48 घंटे में सरकार को सौंपनी है केस की जांच रिपोर्ट कि आज हिंसा में इंस्पेक्टर व युवक की हुई है हत्या। बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र में गौवंश के अवशेष मिलने पर हुए उपद्रव की जाँच करने के लिए ADG इंटेलिजेंस SB सुरोडकर घटना स्थल पर पहुँच गए हैं और वहाँ जहाँ गौवंश मिले हैं वहाँ बारीकी से जाँच कर रहे हैं। नहीं, हम आपसे इसके बारे में, देखिए घटना के बारे में आपको जिला प्रशासन को बात करनी होगी। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आई विल नॉट बी एबल टू शेयर एनीथिंग विद यू। इतना तो बता सकते हैं कहाँ कहाँ विजिट किया गया? हाँ, हमने जहाँ जहाँ या जो गांव है जहाँ पर कल गौकसी हुई थी या गौवंश मिले थे वहाँ पर और यहाँ चौकी भी थी। कल शाम तक। थैंक यू।